I just love this restaurant. कितनी अच्छी जगह है ना? I also love this restaurant, yeah. Everything is so hot here. दो लड़कियां सामने बैठी हैं, तुम्हें वो तीसरी लड़की दिख रही है? Shucks. Sorry. Actually, मैंने ध्यान नहीं दिया था. तू कितनी हॉट लग रही है आज गौरी. Shut up. इसके साथ जो लड़का है ना, वो सब बता देगा हॉट कोल्ड का फर्क. ओए हेलो, ये पांडे अभी भी इतना दम रखता है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो या पति के साथ, मेरी तरफ खींची चली आएगी. पागल हो गया ये. नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है. है ना, मेरा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट तुम मरो, एक्सेप्ट तुम भी हो, एक्सेप्ट मैं भी था. या तो साथ में भी पी सकते हैं, बोले तो चीयर्स करके पी सकते हैं. हे, हाय स्वीटी. ओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीमा, व्हाट अ प्लेजर फॉर लाइफ. मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये गौरी, ये तुलिका. हेलो. और ये है सीवा. सीवा मेरे कॉलेज. वेट 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 वेट, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद कराऊंगी. बाय द वे, मैं शिव की कॉलेज की गर्लफ्रेंड हूँ, एक्स गर्लफ्रेंड, एंड ही इज माय फियांसी रवि. ओए, एक्स वाई कुछ नहीं होता, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड होती है. अच्छा, बाय द वे शिव, यू आर लुकिंग हॉट यार. मुझे पता है, तू भी तो मस्त लग रही है. मोन यार, तुम बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही नॉटी के नॉटी, बिल्कुल चेंज हुए तुम. अच्छा, तुम कॉलेज में नॉटी थे? नॉटी, मैं बताती हूँ, नॉटी शब्द जिसके आगे छोटा पड़ जाएगा. और क्या क्या करता था ये? क्या क्या करता था बता दो शिव. रहने देना यार, आई मीन रात गई बात गई. करता था आपने बताया नहीं, बता दो शिव. इतना सस्पेंस रखेगी तो तुझे लगता है कि ये दोनों तुझे घर जाने देंगी? बता दे. रवि, सिट डाउन ना, मैं तुम्हें अपने लव की पुरानी बातें भी बताती हूँ. इट्स ओके. हाँ हाँ, बताओ कौन सी बात है? क्या पूछना चाहती है तू तुलिका? ले, मैं कहाँ कुछ पूछ रही हूँ, वो तो अपनी रामलीला खुद ही सुना रही है. बोलना बोलना सीमा. कौन सी बात, शिव खत्म नहीं होने देना चाहता. तू कुछ ज्यादा आगे नहीं पहुंच गई? बिल्कुल सही जगह पहुंची है वो. ओके गाइस, लेट मी टेल यू, मैं शिव के बारे में क्या क्या बताऊं. वो ना मुझे कॉलेज से जबरदस्ती उठा के ले जाता था अपनी बाइक पे. और पता है तुम्हें, इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता था, इतनी स्पीड में 120 कभी 130. मैं उसे हमेशा बोलती थी प्लीज स्लो चलाओ, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं था. क्यों शिव, याद है तुम्हें कुछ? सीमा, तुम भी क्या बात लेकर बैठ गई. लो, मैं खड़ी हो गई. I was just joking. शिव के साथ मैं वैसे ही काफी मजाक करती रहती हूँ. He's just wonderful, darling. रवि, तेरी फियांसी शिव से चिपक रही, तुझे अपने मोबाइल की पड़ी. It's okay. वो क्या है कि मैं थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का लड़का हूँ ना, और वैसे भी शिव तो इसका पास था ना, और पास तो हर किसी का कुछ ना कुछ होता है. तो रवि, तेरा कोई पास नहीं है? ये प्रेजेंट ही इतना प्रॉब्लमेटिक हो तो पास की क्या जरूरत है? व्हाट डू यू मीन ना? क्यों समझ में नहीं आया? नहीं, इफ यू लाइक शिव तो यहाँ क्या कर रही हो मेरे साथ? मेरी क्या जरूरत तुम्हें? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, एंड थैंक्स टू योर रोशनी, तुम अभी भी उसी से लगे थे ना. तुम्हें मेरी जरूरत है नहीं, इनफैक्ट तुम मुझसे शादी ही नहीं करना चाहते. ये तुम बोल रही हो? अगर शादी से पहले इतना झगड़ा कर रही हो तो बाद में क्या करोगी, कभी सोचा है? रवि, मैं तुम्हें एक बात बहुत पहले से बताना चाहती थी. ठीक है, अगर आज सामने आ ही गई तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती. इनफैक्ट मैं और शिव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. What? और मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहूंगी, आज जब ये बात सामने आ ही गई है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं है. मैं और शिव हम दोनों एंगेज्ड हैं. इनफैक्ट हम दोनों ने 6 महीने पहले एंगेजमेंट कर ली है. व्हाट? शिवी क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही है, सच कह रही है. इनफैक्ट टुडे इज द हैप्पीएस्ट डे इन माय लाइफ, एंड
रवि, मैं तुमसे ये बात बहुत पहले बताना चाहती थी, लेकिन आई एम सॉरी मैं तुमसे बता नहीं पाई। और आज मैं बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ। इनफैक्ट हम दोनों ही काफी रिलीफ फील कर रहे हैं, है ना?